सदियों से चला आ रहा है। एक औरत ही अग्नि परीक्षा देती है, मर्द क्यों नहीं देता? उसे भी देना चाहिए ना। औरत चाहे कितना भी सही कर दे ना, हमेशा उसे ही सफाई देना पड़ता है, अपने चरित्र को लेके, अपने पास्ट को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है, तो ये चीज़ गलत है। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है गाइस, मैं किचन में आके शूट कर रही हूँ और सुबह के बज गए हैं 9 और आज थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं किया था गाइस, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तबीयत सही नहीं थी। तो अभी हस्बैंड जी कमरे में चला रहे हैं टीवी, तो मुझे लगा मेरी वीडियो कॉपीराइट आ जाएगी, तो इसलिए मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, और यहाँ पे मैं भूल रही हूँ स्वीट कॉर्न जो हम मार्केट से लेके आते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मैंने कई बार अपनी वीडियो से दिखाया है गाइस, तो दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वही भूल रही हूँ, और नाश्ते में आज यही है। खाना वगैरह मैंने बना लिया है गाइस, हस्बैंड जी का लंच वंच पैक कर दिया, पतिदेव तैयार है मतलब ऑफिस जाने के लिए, बस कपड़े पहनना है, चाय पीना और हमने जाना है। तो फटाफट से हम नाश्ता वगैरह तैयार कर देते हैं, उन्हें नाश्ता देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये है स्वीट कॉर्न, जो कि मतलब हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हम लोग इसे मार्केट से हर संडे हर मंडे लाते हैं, मतलब जब भी मंडे को जाते हैं मार्केट या संडे को तभी लाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मिर्ची का तड़का देके और नमक डाल के भूनो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे उबल रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। तो गाइस यहाँ पे आ गया गर्मा गर्म चाय और स्वीट कॉर्न, और यहाँ पे है रोटी जो शाम की बची हुई रोटी थी, मैंने फ्राई कर दिया गाइस। और सामने चल रही है बहुत ही अच्छी मूवी आ रही है, तो आप देख सकते हो। पूजा पाठ हो गया था गाइस, दिया हुआ भी बुझ गया है क्योंकि बहुत पहले पूजा हुआ था, और घड़ी में अभी आप देख सकते हो 10 बजने वाला है, इसलिए दिया बुझ गया है क्योंकि 7 बजे तक पूजा पाठ हो गया था। तो चलिए गाइस हम भी नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। आइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो गाइस नाश्ता वास्ता कर लिया हमने, नाश्ता करके हम बैठ गए, हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज हो गया है थोड़ा सा लेट इन्हें, तो ये जाएंगे ऑफिस। और मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया बाबू, देखना यहाँ क्या हुआ है, पता नहीं दर्द हो रहा है क्यों, देखना कुछ तो नहीं है यार, वैसे थोड़ा बहुत कुछ लगा होगा। ये इधर दिखा, किसको जानता हूं, वैसे ही दो बार दाना हुआ। आज जो गाइस मुझे टीका लगा ना, बहुत स्पेशल टीका है, मैं क्या ही बताऊँ, ये मिटे ना मेरी लाइफ टाइम तक। ये टीका इनके सिर में लगा था गाइस, और यहाँ से यूँ लगा हमारे, एक मिनट बाबू, यूँ लगा है ऐसे लगाए हैं, मतलब ये खुद ही लगाए हैं। तो हस्बैंड जी मंदिर गए थे ना, मंगलवार था, तो ये लगा करके आए थे, तो मेरे लिए लेके आते हैं गाइस, बट आज भूल गए थे शायद, तो इनके सिर में जो लगा था ना वही लगा दिए मुझे भी। तो चलिए गाइस बर्तन वर्तन धो लेते हैं, क्योंकि बेसिंग में ना काफ़ी सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो किचन की हालत अभी बहुत ख़राब पड़ी है, आप देख सकते हो सारे सामान इधर उधर, गैस पे खाना बना लिया तो गैस को भी नहीं साफ़ किया है, तो अभी करते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं, तो इनका देख सकते हो, ये गाइस ना पिक्चर देख के इतने मगन होते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। अगर इन्हें मूवी, इनके मन की मूवी मिल जाए ना, तो ये पूरे रात नहीं सोते, ये देखते रहते हैं, मुँह देखो अभी। इन्हें अच्छी मूवी मिल जाए तो ये मुझे भी नहीं देखते, ऐसे इंसान है। और रात को CID पताएगा, जब तक CID आया जब तक देखेंगे, चाहे 11 बजे तक आए चाहे 12 बजे तक आए। भैया मैं तो खाना खाने के बाद मुझे तो होश ही नहीं रहता, खाना खाया बिस्तर पे गए कि सुबह हो गई, तो इनका तो। तो हेलो गाइज, सुबह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं किया, मतलब वीडियो शूट ही नहीं किया, क्योंकि गाइज मेरे ना यहाँ पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, तो कैमरा भी इसी हाथ से पकड़ती हूँ, मतलब मेरा जो फ़ोन है वो भी इसी हाथ से पकड़ती हूँ, तो पकड़ा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। और ये दर्द ना 2 दिन से हो रहा है, इसलिए मैंने कल भी व्लॉगिंग नहीं किया था, कल मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया था, तो मेरे पास पहले की वीडियो पड़ी थी तो मैंने वही पोस्ट कर दिया था। तो आज मैंने सोचा भाई अब तो वीडियो है नहीं तो व्लॉगिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है व्लॉगिंग करना। अगर हम एक दिन अपने चैनल पर वीडियो नहीं डालते गाइस, तो हमारा जितना व्यूज आता है उससे भी कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। वैसे भी हमारा 100-150 व्यूज ही आता है हमारे चैनल पे, कोई बात नहीं, मतलब इतना तो है कि हाँ इतने लोग देखते हैं,
तो धीरे धीरे लोग देखेंगे ही, मुझे पता है, तो इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। बट मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती। मैंने जब से गाइस ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, शायद से मैंने एक दिन वीडियो नहीं डाला, वो भी मैं गांव में थी, मेरा नेट नहीं चल रहा था, इसकी वजह से वीडियो नहीं पड़ा था, मई की बात है। और उसके बाद से मैंने कभी भी, जब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, कभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं आया है कि मेरी लाइफ में एक भी दिन ऐसा आया हो कि मैंने वीडियो ना पब्लिक ही किया हो या पोस्ट ना किया हो। तो इसीलिए ब्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है। तो इस हाथ से जब भी हम कैमरा पकड़ते गए तो हमारा जो इसी तरफ कैमरा है तो वो ढक जाता है इसलिए, और उल्टा भी पड़ता है हमें, हम ब्लॉगिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है गाइस, क्या बताएं। दवाई भी ले आए थे पतिदेव, और दवाई से भी सही नहीं हो रहा, तो उनके भी पैर में दर्द था गाइस 3-4 दिन पहले, और अभी मेरे हो गया। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि हम दोनों को हो क्या रहा है। तो इस हाथ से तो ब्लॉगिंग करना मुश्किल है, नहीं होता क्योंकि आदत ही नहीं है इस हाथ से फ़ोन पकड़ने की। और गाइस मेरे पास स्टैंड भी है बट मैं उससे कर नहीं पाती, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, फ़ोन एक बार उसमें लगाओ फिर निकालो, मुझसे नहीं होता। तो गाइस मेरे यहाँ पिंपल हो गया, आप देख रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है। और मैंने कान के निकाल दिए हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा गाइस, क्योंकि क्या है ना, कल मेरे कान ऐसे खिंच गए थे तकिए में फंस के, तो ब्लड निकल गया था कानों से, तो इसलिए मैंने निकाल दिया कान का, बहुत दर्द हो रहा था। तो 2-4 दिन नहीं पहनूंगी ना तो सही हो जाएगा, इसलिए निकाल दिया मैंने। तो गाइस सुबह से ब्लॉगिंग नहीं किया था मैंने, यार मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोग से भी बात कर लूँ, पड़े पड़े और भी बीमार लगती हूँ मैं, तो यही सब बातें हैं। और गाइस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है यार, क्या है, आप लोग अच्छी वीडियोस नहीं देखते हो और ऐसी वीडियोस को इतना प्यार देते हो, मतलब इतना व्यूज भैया, मतलब ये तो हकीकत है कि अच्छी वीडियो किसी को नहीं पसंद है, बुरी वीडियो सबको पसंद है। मतलब लाइफ में अगर कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब झगड़े वाली चीज़ होती है ना, तो आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े से देखते हो यार। और अगर हमारी लाइफ सीधी सादी होती है, हम पति पत्नी प्यार से रहते हैं, तो आप लोग को वो चीज़ नहीं पसंद आती। अब बताओ हमारी वीडियो नहीं चल रही तो क्या हम भी अपने हस्बैंड से झगड़ा करें, ये तो गलत बात है यार। आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। अब जिसके हस्बैंड वाइफ में, फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, उसकी वीडियो आप लोग इतना पसंद कर रहे हो, और हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब हम अच्छे से रह रहे हैं, तो हमारी वीडियो देखते ही नहीं हो, ये तो गलत बात है ना, पूरा ही गलत है। गलत है कौन सही है तो वही दोनों जाने, विष्णु राज मालती चौहान की बात कर रही हूँ मैं। तो किसी की मालती गलत हो या सही हो मैं ये नहीं जानती, बट इस चीज़ का है कि मतलब औरत चाहे कितना भी सही कर लेना, हमेशा उसे ही सफाई देना पड़ता है, अपने चरित्र को लेके, अपने पास्ट को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है। तो ये चीज़ गलत है, सदियों से चला आ रहा है, एक औरत ही अग्नि परीक्षा देती है, मर्द क्यों नहीं देता, उसे भी देना चाहिए ना। ये सब बातें मेरे जहन में बहुत देर से चल रही थी, मैंने सोचा बात करूँ आप सबसे, क्योंकि मैंने हर जगह देखा अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सफाई देना पड़ता है। आदमी कोई गलती करता है तो कहते हैं आदमी है, मर्द है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो यही सब बातें अच्छी नहीं है, मतलब दोगली सोच है इंसानों की। आज के ज़माने में भी आदमी और औरत में फ़र्क किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब वैसे नहीं रह गया है, बट ये जो कुछ लोग हैं ना गांव देहात के, ये लोग करते हैं। बाकी वैसे औरत और आदमी में कोई फ़र्क नहीं रह गया, कोई चीज़ नहीं रह गया। तो गाइस मेरी तबीयत ख़राब होते होते ना मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, मतलब जब मैं एक्सरसाइज करती थी जब मेरा वेट बढ़ते जाता था, अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ तो वेट मतलब सही हो गई हूँ मैं। तो कपड़े आप लोग देख सकते हो, झोल झाल हो गए हैं भैया, क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो भी इन्हीं शब्दों के साथ एंड करना चाहती हूँ मैं गाइस, क्योंकि कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा है और ब्लॉगिंग कर नहीं सकती मैं बिना पकड़े यहाँ पे दर्द की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी आवाज़ भी भनक रही है क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है, और ऐसा वाला जुकाम नहीं है नाक बहने वाला, गले में दर्द वाला जुकाम है। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।